मैं मीठे धन्यवाद खाली फोटो ले रहे हो ना हाँ इसके बाद एक इंटरव्यू करेंगे अभी इंटरव्यू क्या अच्छा यहाँ से तो मैं इस सॉन्ग को बहुत अच्छी तरह से सुन चुकी हूँ और तब भी गा चुकी हूँ मुझे इतना पसंद है मेरे दिल के बहुत करीब है इसीलिए मैंने ये गाया है गाने बहुत अच्छे हैं जो रजिता जी हैं ये श्री श्री रविशंकर जी की खास ड्यूटी हैं और काम करती हैं उनके साथ तो उनके गाने हमको बहुत अच्छे लगे इसीलिए मैंने खुद म्यूज़िक दिया उसमें और मैंने गाना एक गाया इसने एक गाना गाया है अभी और दो चार गाने करने हैं और फिर आपसे मिलेंगे बस बहुत सुंदर दिन है हमारी लाइफ का क्योंकि ये जो एक भक्ति भाव से हमने लिखे हैं गाने वो आशा ताई ने इतने सराहे और खुद उन्होंने गाया जनाई ने गाया बहुत अच्छा लगा कुछ कन्विंस करने के लिए कितनी तकलीफें हुई क्योंकि आशा में वैसे कन्विंस होती नहीं है सॉन्ग को लेके जो हॉनेस्टली तो मेरे ख्याल से ये जो शब्द लिखे कहीं दिल से आए हैं उस कृतज्ञता से आए हैं तभी शायद उनके दिल को भी छू गए तो ऐसा कोई कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं क्या खास बात लगी आशा मैम आपको गाने तो बहुत स्टाइल के गा चुकी हूँ आप तो जानते हैं कि 75 साल हो गए इस फिल्म लाइन में गाते गाते तो जो गाना अच्छा होता है वो ज़्यादातर मन को लगता है वो पैसा मिले चाहे नहीं मिले या कुछ कोई कुछ हो लेकिन जो गाना अच्छा होता है वो मन को लगता है और हम लोग गाते भी हैं ग्रैंड डॉटर कितना परेशान करते हैं क्योंकि नॉर्मली दादी को बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है ग्रैंड डॉटर से आप क्या कहना चाहिए इसके बारे में परेशान और बातों में करती है जैसे कपड़े वपड़े जो है बाकी घर में बहुत अच्छा खाना पकाती है और बहुत प्यार से खिलाती है बहुत मेरे प्यार से वो करती है सब और उसको क्या बोलते हैं हमारी जो सभ्यता है वो उसको पता है हर फैमिली को पकड़ के रखती है और वो डांस सीखी है बचपन से 7 साल के से क्लासिकल डांस सीखी है कथक और गाना सीखी है क्लासिकल अभी इंग्लिश भी गाती हैं ऑपेराज वगैरह तो वो पढ़ती हैं क्या जिनेवा ला रोजे में पढ़ती है और वो क्या पढ़ रही है तू इकोनॉमी शाले कॉलेज में नहीं है स्कूल में है अभी 17 साल की है वो क्या कहना चाहेंगे लेजेंडरी आपके घर में ही है कितना सीखने के लिए मिलता है कुछ प्रॉब्लम्स होती है ऑनेस्टली वो मेरी दादी है तो पहले तो वो आता है कि हाँ मतलब स्टेज पे जब मैं उनके साथ जाती हूँ क्योंकि मैं उनके साथ परफॉर्म करती हूँ
हमने मेलबर्न में, सिडनी में, वेम्बली में, सभी जगह परफॉर्म किया है। तो स्टेज पे जब जाती हूँ तो बहुत मतलब डरावना होता है, ऐसे कैसे हो जाएगा। लेकिन घर पे जब आती हूँ तो वो सेम दादी होती है, घर पे खाना बनाती है मेरे लिए, कुछ बदलता नहीं है उसमें। ऑफ कोर्स डरावना होता है, लेकिन क्या क्या टिप्स मिलती है सॉन्ग्स को लेकर? वो तो सीक्रेट रहेगा, क्योंकि इसीलिए वो टिप्स मुझे मिल रही है। सो ज़नाई, हाउ डिफिकल्ट और इजी इज इट टू सिंग अ सॉन्ग इन ग्रेटिट्यूड टू द गुरुदेव, व्हेन आई एम श्योर दिस इज द फर्स्ट टाइम यू सिंगिंग समथिंग ऑन दैट लेवल? फॉर श्योर, आई रिस्पेक्ट देम सो मच, एंड आई हैव सीन द वीडियोस, एंड आई रिस्पेक्ट देम सो मच, एंड आई हैव सीन द वीडियोस, एंड आई फॉलो देम, एंड इट्स ग्रेट to finally sing for them. And personally, if I got a chance to meet them, I would. I almost did a couple years ago, but my grandmom and my mom had gone to see them in Cambodia. Agar aap sun rahe hain, to main aapki bhakt hu. Rajita, you would like to tell us something about the lyrics, maybe two lines of the lyrics? Yeah, actually, I think what I have written is is what the heart of every devotee speaks, and it is said in our shastras that the God, Guru and the Self are all the same. So at one level, to express therefore, you know, that deep feeling of devotion. So I have written, and it is also said that when you find your master, hidden talents in you surface, and this has been one such experience for me. I mean, I'm not a trained writer or anything, but this has come really as from a deep space in my heart. So I have written in Hindi, which Ashatai and Zanai have sung. Some more are also there. English also have written some. So yeah, it is basically like the song which Ashatai has sung which is in Hindi, it basically expresses a devotee's feeling that how the master is everything for him or her. How the master is everything. The master is her pride. The master is also that which elevates a devotee. And that is what I have expressed. Tai, Gurudev ne Gurudev se baat hui is gaane ke baare mein aapki? Is gaane ke baare mein nahi hui hai, lekin main unse bahut mil chuki hu. बहुत बार, यानी कंबोडिया में भी, सैन फ्रांसिस्को में भी, और क्या वो गुरुद्वारा है ना चंडीगढ़, उसके बाजू में एक कुछ हुआ था, क्या बोलते हैं उसको, हेरिटेज, गोविंद गुरु साहब का हेरिटेज, उसमें भी मैं उनसे मिली हूँ, और यहाँ घर पे भी, मतलब किसी के घर पे जाके मिली हूँ, और मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और सबसे ही प्यार करते होंगे, लेकिन मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आज ये हम रिकॉर्डिंग के लिए जब निकले थे, तब हमने कुछ बात नहीं की थी उनकी, तो उनका फ़ोन आ गया और कहा कि मेरे लिए, कहा कि उसको बोलो मेरा आशीर्वाद है करके, और तो गाने जो लिखे जाते हैं उस पे हम चले जाते हैं। हर गाना होता है, हर गाना तो कोई डांस का नहीं होता है या लव का नहीं होता, प्यार कोई ऐसे भी एक भावना है जो भगवान से मिलाती है, तो वो ये गाने हैं जो भगवान से हमको मिलाते हैं। अच्छा, स्टेज पे परफॉर्म करने के पहले, क्योंकि स्टेज पे जाने के पहले सभी नर्वस होते हैं, काफ़ी नर्वस होते हैं, कुछ टिप्स मिलती है पहले बिफोर स्टेज? मेरा जो लास्ट परफॉर्मेंस था वेम्बली में उनके साथ, तो मैंने सिर्फ एक बात पूछा था कि दादी, लाइक मैं मराठी में बोलती हूँ उनके साथ, तो हिंदी में बोलना थोड़ा ऑकवर्ड है, तो मैंने सिर्फ पूछा कि आपको क्या लगता है मेरे बारे में, और वो खाली बोली कि बेटा आई एम प्राउड ऑफ यू। वो उसके बाद कुछ नहीं लगा, वो जब वो प्राउड वो शब्द मुझे सुनाई दिया ना, उसके बाद मैंने, मुझे गाने का कोई डर नहीं था, दैट्स इट, मेरे लिए वही इम्पोर्टेंट है। क्या क्या कहा? बहुत दुख की बात है, मैं उनको 1947 से जानती थी। वो बुलाने घर पे आए थे एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर के, मेरा गाना गाई करके, तब से मैं जानती हूँ उनके सब बुरे दिन, अच्छे दिन, सब मेरे साथ हैं।
और बड़ा दुख भी है, लेकिन क्या कर सकते हैं, वही गुरुदेव के गाने गाने पड़ते हैं कि वही ले जाता है, वही लाता है, वही संभालता है हर चीज़ को। मैम प्रियंका चोपड़ा को यूएन के ब्रांड एम्बेसडर पद से पीस के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, आप कुछ? नो। अच्छा, इसके अलावा मैम फाइनली सॉन्ग्स हो जाए, दो दो लाइनें? नहीं अभी नहीं। अच्छा मैम आप तो नहीं, आप मैं ये मैम एनी सॉन्ग नहीं, अभी नहीं गाना, कोई भी गाना नहीं। थैंक यू।